हे गाइस, वेलकम। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हाउस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट से एंडिंग तक एक एक स्टेप वाइज बताओ। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो इसी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जो है प्लानिंग। ये कोई कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं है, पर कोई भी काम हम करते हैं उससे पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार ही घर बनाते हैं सब लाइफ में, और ये सब चाहते हैं कि आसपास के घरों से देखने में उनका घर सुंदर हो और स्ट्रक्चरली भी स्ट्रॉन्ग हो। सो सब कुछ पहले से डिसाइड करके ही घर का काम स्टार्ट करना चाहिए। प्लानिंग करना है आपको कितना बड़ा घर चाहिए, उसका डायरेक्शन और कितने रूम्स होंगे, और रूम्स के साइज़ क्या रखने हैं। किचन के बारे में घर की लेडीज से प्लान कर सकते हो। घर का एरिया क्या रहेगा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस ब्रांड का यूज़ करोगे, ये सब भी पहले से प्लान करना है। मटेरियल की स्टोरेज के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए, स्पेशली सीमेंट की स्टोरेज वाटर लॉक्ड एरिया में ना हो, और मटेरियल घर के बिल्कुल पास में स्टोर करना है। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स देखते हैं जो घर की ऑन साइट कंस्ट्रक्शन से पहले करने हैं। सबसे पहले है लैंड फाइनल करना। इसमें उस एरिया की अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की परमिशंस, एनओसी सर्टिफिकेट, मेजरमेंट और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अरेंजमेंट अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए भी अप्लाई करके कनेक्शन लगवा लो। एंड देन साइट क्लीनिंग करते हैं, जिसमें उस एरिया या प्लॉट की घास झाड़ियाँ साफ़ करते हैं। अगर कोई अनवांटेड ट्री आ रहा हो तो उसको आप कटवा सकते हो, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आल्सो डिस्कशन ऑन ड्राइंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से ड्राइंग बनवा के आप काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें वो आपको 7-8 टाइप की ड्राइंग्स देते हैं, जिसमें आपका फ्लोर प्लान, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, डोर विंडो, एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये सब आती हैं। बट अगर ये सब नहीं चाहिए तब भी आपका फ्लोर प्लान से काम चल जाएगा। अगर वास्तुशास्त्र को मानते हो तो रूम्स, टॉयलेट, किचन और खिड़की दरवाज़ों की डायरेक्शन के हिसाब से इसको हम वास्तु के हिसाब से देखेंगे, और देन उसकी अलग से ड्राइंग्स बनती हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर वास्तुशास्त्र की डिटेल वीडियो चाहते हैं, देन लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। लेवल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा घर को ग्राउंड लेवल से हाइट पर रखते हैं, ताकि बारिश के मौसम में पानी अंदर एंटर ना करे। सो अगर तो आपके घर के साइड में कोई घर है तो उसके उस घर की दीवार पर ग्राउंड लेवल से एक इमेजिनरी 1 या 2 फीट का लेवल लगाएंगे, और सारी वॉल्स पर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे लेवल पाइप से। या तो अगर आपका प्लॉट थोड़ा बिल्कुल ओपन है, उसके साइड में किसी का घर नहीं है, तो उसमें बनता है ग्रिड पिलर। ग्रिड पिलर को हम यहाँ पे इंडिया में भुर्जी बोलते हैं उसको। ये क्या है, कंक्रीट या फिर ब्रिक्स की एक, मतलब 9x9 का एक पिलर टाइप का बनता है, उसको बोलते हैं भुर्जी, जैसे वीडियो में देख रहे हो आप इसमें। तो ये इसको लगाते हैं घर के बिल्कुल 4 एंड्स पे, जो कॉर्नर होता है जहाँ से आपकी वॉल्स आएंगी, जो बिल्कुल एंड होगा उसका, उसके नियर बाई लगाएंगे उसको। एंड उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लेबल करेंगे। लेवल क्या करेंगे उसकी, जैसे प्लिंथ लेवल की, किस किस लेवल पे प्लिंथ होगा या एक्सकेवेशन की डेप्थ कितनी होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अगला ज़रूरी काम है बजट। आपको एक प्री एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि घर में टोटल कितना खर्चा आएगा मटेरियल एंड लेबर में, एंड उतना मनी अरेंज करना पड़ेगा। अगर अवेलेबल हो देन ठीक है, नहीं तो बैंक से लोन ले सकते हो आप। प्रधानमंत्री आवास योजना या पर्सनल लोन्स कम इंटरेस्ट रेट में देने वाली काफ़ी स्कीम्स हैं। और सबसे ज़रूरी काम है एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो जेन्युइन रेट्स पर। विद मटेरियल और लेबर रेट दोनों पर अलग अलग रेट होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के, और कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस कर लो, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा नॉलेज अच्छा होता है कि मटेरियल कैसा यूज़ करेंगे या उसके सप्लायर्स कहाँ हैं और आगे क्या वर्क्स होंगे, तो इस चीज़ का उनको पता होता है। इसके अलावा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी का टेस्ट भी होता है, पर घर की कंस्ट्रक्शन में ये ज़रूरी नहीं है, बिल्डिंग्स या हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में इसको यूज़ करते हैं। सो ये सब वर्क्स को हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, ये सब आपको कंस्ट्रक्शन से पहले करना है। नेक्स्ट पार्ट से हम एक्चुअल में ऑन साइट वर्क देखेंगे। एंड इस सीरीज़ का थंबनेल ऑलमोस्ट इसी तरह का रहेगा, जहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।